प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान का बेहतरीन उदाहरण उन्नाव अजगैन के भौली गांव में देखने को मिला। इस गांव की महिलाएं अपनी जरूरतों के लिए शहर का रुख बेहद कम करती हैं, क्योंकि उन्होंने इसी गांव में सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर जैसे उद्यम का प्रशिक्षण प्राप्त करके गाँव में ही रोजगार जुटा लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान की महामंत्री डॉ श्रेया प्रजापति ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पत्र देते हुए कहा कि सचमुच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति की प्रेरणा स्रोत ये गांव बन रहा है, जहां के गांव की लड़कियां स्वावलंबी बनकर जनपद का नाम रोशन कर रही हैं। देश में महिलाओं को और बालिकाओं को दी जाए तो उसी के क्षेत्र में ये एक नया कदम यहाँ पर निर्मल जन कल्याण शक्ति और ललित कला संस्थान द्वारा यहाँ पर भौली गांव में उन्नाव में शुरू किया गया है। और उसी स्वावलंबन के क्षेत्र में यहाँ लगभग 60 बच्चियों को सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दे करके और उनको चित्रकला का और उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए। ट्रेनिंग कर चुकी कई लड़कियाँ और महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होकर रोजगार कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन गई हैं, गांव में ही रोजगार उनको मिला है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोविड की चुनौतियों के बाद भी भारत बाधाओं को पार कर दोहरा रहा है आत्मनिर्भर।